की बढ़ती रफ्तार को देखकर महेंद्र कुमार जिलाधिकारी सुपौल 6 जनवरी से 21 जनवरी तक जिले में लगाया नाइट कर्फ्यू। कोरोना वायरस की तीसरी लहर पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन उतरा सड़क पर। मनीष कुमार SDM व कुमार इंद्र प्रकाश SDPO के नेतृत्व में सुपौल सदर बाजार के महावीर चौक पर चलाया गया रोको टोको मास्क जांच अभियान। वाहन चालकों व पैदल यात्रियों में मचा हड़कंप। मनीष कुमार SDM ने कहा, कोरोना वायरस जनित महामारी की तीसरी लहर पर व्यापक नियंत्रण हेतु कुछ प्रतिबंध के साथ नाइट कर्फ्यू लगाई गई है। उसी के तहत रोको टोको मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है, जो हर चौक चौराहे पर चल रही है। लॉकडाउन में क्या तैयारी है सर? देखिए, लॉकडाउन नहीं है, ये प्रतिबंध लगाया गया है सरकार द्वारा, जो कोरोना का तीसरा लहर है उसको प्रसार को रोकने हेतु कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है कि बिना मास्क का आप बाहर ना निकले। जो भी हमारा बाजार व्यवसाय है उनको 8 बजे तक के लिए छोड़ा गया है, अपवाद को छोड़ करके। सरकारी कार्यालय में आगंतुकों के लिए प्रवेश निषिद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त हम भी अन्य कई जो जिम पार्क उद्यान है उसको बंद किया गया है। अभी 21 तारीख तक के लिए प्राइमरी सरकार के निर्देश के आलोक में रिस्ट्रिक्शन लागू किया गया है, जो कल से लागू होगा 6 तारीख से। तो हम लोग आज से ही रोको टोको अभियान शुरू किए हैं पूरे सुपौल में, कई जगहों पर बिना मास्क वालों को सचेत भी कर रहे हैं और उनसे जुर्माना भी वसूल कर रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं। जो भी अभी कोरोना का गाइडलाइन आया है उसको पालन कराया जा रहा है। जो मास्क नहीं आएगा उसका फाइन कितना कटता है सर? अभी साथ में SDO